हेलो गाइस, सो दिस इज अ वीडियो फॉर स्टैंडर्ड 9th स्टेट बोर्ड लेसन 1 डिज्नीलैंड पेरिस पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले जाके वो देख लो। उसमें मैंने आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन और दो वर्ब सिखाए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है रिविजन ऑफ एडजेक्टिव, जो आपको 8th में था पर आपकी 9th की टेक्स्ट बुक में दिया है रिविजन के लिए। उसमें है फेमिनाइन प्लूरल पोजिशन ऑफ एडजेक्टिव्स एंड स्पेशल एडजेक्टिव्स। ये जो स्पेशल एडजेक्टिव है ना, वो आपकी बुक में नहीं दिया पर वो इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। 1.1 दैट इज रीडिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ द चैप्टर, और जो एक्सरसाइज बचेगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, और 1.2 और 1.3। ओके, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज एंड शेयर वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं रिविजन ऑफ क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स। अब ये जो टॉपिक है वो आपने 8th में पढ़ लिया, उसका रिविजन है। तो अब मेरा फर्ज बनता है कि मेरे पास जितना नॉलेज है मैं आपको सब बताऊँ, क्योंकि अब मुझे नहीं पता आपने 8th में क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। तो अगर आपने 8th में ठीक से ध्यान नहीं दिया इस टॉपिक के बारे में, तो एकदम अच्छे से अभी देख लो, मैं आपको A to Z पूरा वापस एक्सप्लेन कर लूँ। एंड अगर आपने 8th में ध्यान दिया भी है तो भी देखो, क्योंकि आपका रिविजन हो जाएगा। ओके, अब एडजेक्टिव्स अग्री इन नंबर एंड जेंडर विद द नाउंस दैट दे क्वालिफाई, बराबर। अब देखो, लुद्रा यहाँ पे एडजेक्टिव है। अब यून ताबला मतलब टेबल फेमिनाइन है। फ्रेंच में हर एक वर्ड, हर एक नाउन मैस्कुलाइन या फेमिनाइन होता है। तो देखो, एंडिंग में ई है, बराबर। अब देखो, देस एथोडियंस इंटेलिजेंट प्योरल है, इसके लिए ऐसे एंडिंग में, बराबर। अच्छा, जो टेक्स्ट बुक में है ना वो तो मैं आपको कराऊंगी, पर मैं अभी आपको और चीज़ें बताती हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा, डेट इज 101% बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। ओके, फेमिनाइन। ओके, अब मैंने आपको बताया होगा कि एक ग्रामर की बुक मेंटेन करो जिसमें आप सारा ग्रामर टॉपिक्स लिखोगे। अगर अभी तक आपने बनाई नहीं है तो बनाना चालू कर दो, और सब ग्रामर टॉपिक्स लिखो जो आपको 10th में बहुत बेनिफिशियल होगी, ठीक है। ये सब भी पॉइंट्स ऐड कर लेना ग्रामर के। अब चीज़ को, नाउन को फेमिनाइन कैसे बनाने का, एडजेक्टिव को जनरली ऐड ई। अब देखो, ग्रॉन दैट इज़ फॉर मैस्कुलाइन, ई ऐड किया तो वो फेमिनाइन के लिए हो जाएगा। पतित दैट इज़ फॉर मैस्कुलाइन, ई ऐड किया तो फेमिनाइन के लिए हो जाएगा। ओके, ये फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल, नाउंस एंड विथ ई रिमेन्स कॉन्स्टेंट। जून ई से एंड हो रहा है तो वैसे ही रखो। जब आपको आएगा ना क्वेश्चन एग्जाम में आता है मेक इट फेमिनाइन, तो क्या करोगे, सेम रखोगे, उसको चेंज नहीं करोगे अगर ई से एंड हो रहा है तो, ठीक है। स्विस सेम रहेगा, ई से एंड हो रहा है तो, ठीक है। थर्ड रूल क्या है, नाउंस एंड विथ ई आर चेंजेस टू ई ग्राफ आर ई। प्रीमियर एंडिंग क्या है, ई आर, तो चेंज किया होगा ई ग्राफ आर ई। तो देखो आ गया, समझा आपको थर्ड रूल, लेजर ई ग्राफ आर ई, ये याद रखने तीनों रूल। नाउन एंडिंग विद एफ चेंजेस टू वी ई। ओके, एक्टिव एक्टिव, एफ के जगह पे क्या डालना है आपको, वी ई। एक्टिव मतलब वही, एक्टिव मतलब एक्टर एक्ट्रेस। स्पोर्टिव वही, स्पोर्ट पर्सन, आपको समझ में आ गया होगा। नाउन एंडिंग विद एक्स चेंजेस टू एस ई, यूरियक्स यूरियस। एक्स के जगह पे देखो हमने क्या डाल दिया, एस ई डाला, बराबर। यूरियक्स मतलब हैप्पी। व्हेन वो वेल इज बिफोर द कांस्टेंट, डबल द कांस्टेंट एंड एड ई। मतलब अब देखो, जॉन टिल, तो एल के पहले वोवेल है, डबल द कांस्टेंट, एल को डबल करो, कांस्टेंट, एल कांस्टेंट है अपना, उसके पहले अगर वोवेल होगा तो कांस्टेंट को डबल करो और ई ऐड करो। कांस्टेंट को एल को डबल किया और ई ऐड किया। अब बास में देखो, एस कांस्टेंट है, उसके पहले वोवेल है क्या वो चेक करो, वोवेल है, डबल द कॉन्सोनेंट एंड ऐड ई। सेम फॉर ग्रॉस, डबल द कॉन्सोनेंट एंड ऐड ई, एस को डबल किया, बराबर। जॉन्टिल मतलब काइंड, बास मतलब लो और ग्रॉस मतलब लार्ज। ओके,
इरेगुलर फेमिनाइन नाउन यू नीड टू लर्न बाय हार्ट। अब इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको ये लर्न करना पड़ेगा। ब्यू बेल मतलब हैंडसम ब्यूटिफुल, होम फेम मतलब मैन वुमेन, ब्लॉन्ग ब्लॉशे मतलब वाइट, लॉन्ग लॉन्गवी मतलब वही लॉन्ग, दुक्स दूस मतलब सॉफ्ट, वियक्स वियल मतलब ओल्ड, नोव्यू नोवेल मतलब न्यू। सबकी स्पेलिंग ध्यान से देखना ठीक है, और ये भी लिख लेना सब कुछ, मतलब जितना भी ग्रामर का पार्ट मैं आज सिखाने वाली हूँ पूरा लिखना ठीक है, और अच्छे से अभी ही लर्न कर लेना, दिमाग में बिठा लेना। आपका टेक्स्ट बुक में भी ऑलमोस्ट सेम दिया है, द फेमिनाइन ऑफ एन एडजेक्टिव इज मेड बाय एडिंग एन ई, जो अपना फर्स्ट रूल था वही, अ एतुदियंत इंटेलिजेंट। तो देखो यून एतुदियंत इंटेलिजेंट, अब अ के जगह पे यून ऑफकोर्स मैस्कुलाइन फेमिनाइन, एतुदियंत सिंपली ई ऐड किया, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट के पीछे भी एक ई ऐड किया बराबर। ये वही है सम इरेगुलर वर्ब्स, ये भी पढ़ लो, मैंने आपको वो मेरे वैसे दिए थे। ग्रॉस ग्रॉसी इसका मैंने आपको ट्रिक बताया, एम्फेसिस का भी मैंने आपको ट्रिक बताया, बॉ बॉन इसका भी ट्रिक बताया, वही डबल दो कॉन्सोनेंट एंड एड ई, देखो कितना कुछ क्लियर हो रहा है वो मेरे इसके वजह से। शेयर देखो ये भी क्लियर हो गया, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी आपकी बुक में नहीं दी थी तो मैंने आपको दे दी, इससे आपको और इजी पड़ेगा। कुछ कुछ एक्सेप्शंस आ सकते हैं पर आपके लेवल में ज़्यादा नहीं है ठीक है, आप जैसे बड़े होते मतलब और आगे पढ़ोगे तो एक्सेप्शन आ सकते हैं ठीक है। कॉकेट ये देखो सेम डबल दो कॉन्सोनेंट एंड एड ई, एक्स के जगह पे एस ई यूज़ करने का, लॉन्ग लॉन्ग भी एक्सेप्शन है ठीक है, ये पढ़ना पड़ेगा। और ये दो जो है ना मैं आपको एंडिंग में जब ये आपका टेक्स्ट बुक का ये ख़त्म होगा ना उसके बाद यही वीडियो में आपको स्पेशल एडजेक्टिव्स करके दे देती हूँ, उसमें अपना ये हो जाएगा आपको आराम से समझ जाएगा ठीक है। एडजेक्टिव्स दैट एंड इन एन ई इन द मैस्कुलाइन रिमेन अनचेंज्ड, ये भी मैंने आपको सेकेंड रूल में बता दिया ठीक है। अच्छा तो गाइज नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जो है प्योरल ठीक है, तो अभी मैं आपको मेरा कुछ बताती हूँ, मतलब मेरा नहीं जो है वही बता रही हूँ ठीक है। जनरली एड एस पर जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो आपको 100% वर्थ होगा बराबर। जनरली एड एस मतलब एंडिंग में सिंपली एक एस ऐड करना है ठीक है, जनरली यही करता है। नाउन्स एंडिंग विथ एस एक्स एंड जेड रिमेन सेम ठीक है, अनेस सेम रहेगा, देज नेस प्योरल फॉर्म में सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, एस एक्स एन जेड ठीक है। नाउन्स एंडिंग विद ई यू ए यू एन ई ए यू टेक्स एक्स एट द एंड मतलब अ गेटो दिस गेटॉक्स, ए यू और एक एक्स लग जाएगा एंडिंग में ठीक है, और शैम्पा शैम्पॉक्स ठीक है। एक्सेप्शंस तो भाई आपको हर जगह मिलेंगे ही ठीक है, अप्यून कि आगे एस लगाना है एक्स नहीं लगाना ठीक है, ये याद रखना कौन से वर्ड के लिए, प्यून और ब्ल यहाँ पे अ आएगा, अ लिब्रा ब्ल, तो इसका क्या प्योरल होता है, देज लिब्रस ब्लस ठीक है, एस लगाना है ई यू एक्स नहीं करना। तो तीनों और एक बार देख लेते हैं, जनरली एड एस, गार्सो मतलब बॉय, ग्रॉन मतलब टॉल, नेज मतलब नोज, बास मतलब लो, गेटॉक्स मतलब केक, शैम्पाउ मतलब हैट, प्यून मतलब टायर, ब्लू मतलब ब्लू कलर ठीक है। जनरली एड एस एस एक्स एंड जेड रिमेन सेम, ई यू ए यू एंड ई ए यू टेक्स एक्स एट द एंड। अब आगे देखते हैं, ये फोर्थ है, मैंने गलती से थर्ड लिख दिया था। नाउन्स एंडिंग विथ ओ यू टेक्स एक्स एट द एंड, ल बिजू बिजुक्स लेस बिजुक्स आएगा ठीक है, एल ई एस, वो तो आप समझ जाओगे आप नाइन्थ में हो इतना तो आपको पता ही होगा ओके। अ जूजू डेज जूजुक्स एक्सेप्शन, ये तीनों एक्सेप्शन है, कू दू थ्रू ठीक है, एस आएगा एक्स नहीं आएगा याद रखना,
ये आपको ट्रिक करने के लिए एग्जाम में वो लोग पूछते हैं। बिजू का मतलब है ज्वेल, जूजू का मतलब है टॉय। अब ये मैं आपको क्यों बताते जा रही हूँ हर एक चीज का मतलब, कि आपका वोकैबुलरी, आपका ट्रांसलेशन बेटर होगा, ठीक है। साथ साथ ये भी देखते जाओ, कूस नेक, दू का मतलब दुई होता है, और त्रूस होल। नाउन एंडिंग विथ AL टेक्स AUX एट द एंड। अजुलनाल देश जुलनॉक्स, ठीक है, AL के जगह पे AUX डाल देना है। ल सिग्नल सिग्नॉक्स, ओके, एक्सेप्शंस तो भैया आपको मिलने ही वाले हैं। ल बाल लेस बाल्स, ल चालकल लेस चालकल्स, ल सेरिमोनिकल लेस सेरिमोनिकल्स, ल रेक्टियल लेस लेक्टिकल्स, ल कार्नावल लेस कार्नावल्स, ठीक है। और जुलनल का मतलब होता है न्यूज़पेपर, सिग्नल का मतलब सिग्नल, बाल का मतलब होता है फॉल, शैकल का मतलब होता है जैकल, सेरिमोनिकल सेरिमोनिकल, रेक्टियल्स का मतलब रेक्टिकल्स ही होता है, और कार्निवल कार्नावल्स का मतलब कार्निवल ही होता है, ठीक है। सो गाइज, ये जो टॉपिक है ना, इस पे मोस्ट ऑफ बच्चे मिस्टेक करते हैं। आप मेरे बच्चों, आपको ये मिस्टेक नहीं करनी, मोस्ट ऑफ लोगों के मार्क्स कटते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन एडजेक्टिव इज प्लेस्ड बिफोर द नाउन एंड टू मेक इट प्लुरल, DES चेंजेस टू डी और डी अपोस्ट्रॉफ। एग्जाम्पल से समझते हैं। ससेथ अ बेल होम, अब बेल मतलब हैंडसम, होम मतलब मैन, तो जो एडजेक्टिव है वो नाउन के पहले प्लेस्ड हुआ है। तो डी इन प्लुरल फॉर्म देश चेंजेस टू डी ई और डी अपोस्ट्रॉफ, बराबर। तो ससेथ के जगह पे ससोंत, अयुन दे, अयुन देश में चेंज होगा, पर यहाँ पे एडजेक्टिव पहले है तो इट विल चेंज टू डी ई और डी अपोस्ट्रॉफ। डी अपोस्ट्रॉफ कब होगा? वॉवेल के पहले, बराबर। अगर यहाँ पे वॉवेल होता तो डी अपोस्ट्रॉफ आता, पर अब वॉवेल नहीं है तो क्या आएगा? डी ई। बॉक्स होम्स, ये जो बॉक्स है हैंडसम का, ये जो हैंडसम ब्यूटीफुल, वो मैं आपको स्पेशल एडजेक्टिव्स में सिखाऊंगी, ठीक है। तो आप वो देखोगे ऑटोमेटिकली ये क्लियर हो जाएगा, इसका टेंशन मत लो, ठीक है। ससेट यून जॉयल फील, अब देखो वापस एडजेक्टिव फील के आगे है, बराबर। और यून दे चेंजेस टू डी ई और डी अपोस्ट्रॉफ फॉर प्योरल, देस चेंजेस टू डी और डी अपोस्ट्रॉफ, बराबर। तो क्या होगा? ससोंत, डेज नहीं लिखोगे, डी ई लिखोगे, आगे एस और एस लगा दिया टू मेक इट प्योरल, ओके। अब आपके टेक्स्ट बुक के वे में देख लेते हैं। प्योरल ऑफ एग्जेक्टिव, मोस्ट एग्जेक्टिव बिकम प्योरल बाय एडिंग एन एस एट द एंड ऑफ द एग्जेक्टिव, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। सिंपली एक एस ऐड करेंगे, और चेंजेस टू देस, एतुदियंत एस ऐड कर दिया, इंटेलिजेंट एस ऐड कर दिया, ठीक है। हावेवर सम एडजेक्टिव्स फॉलो डिफरेंट रूल्स, ये जो है स्पेशल एडजेक्टिव जो मैं आपको एंडिंग में बताने वाली हूँ इस वीडियो के, मतलब ग्रामर टॉपिक के एंडिंग में, तभी आपको वो पता चल जाएगा, ठीक है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स एंड एडजेक्टिव प्लेस्ड बिफोर द नाउन, ये जैसे आपको भी पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, कि ये बॉ का बॉल बेल का बॉक्स होता है, ठीक है। इनडेफिनाइट आर्टिकल एंड एग्जेक्टिव प्लेस्ड बिफोर द नाउन, द प्योरल इनडेफिनाइट आर्टिकल देस चेंजेस टू डी और डी अपोस्ट्रॉफ व्हेन द एग्जेक्टिव इज प्लेस्ड बिफोर द नाउन, वही जो मैंने आपको अभी बताया, ये देखो सेम एग्जाम्पल है, ठीक है। ठीक है गाइस, तो अब हम करेंगे प्लेस ऑफ एग्जेक्टिव। तो जो आपकी टेक्स्ट बुक में है वो बताने के पहले मैं आपको दूसरा बताती हूँ प्लेस ऑफ एग्जेक्टिव के ऊपर से, दैट इज पोजिशन ऑफ एग्जेक्टिव। अब एग्जेक्टिव बिफोर द नाउन, अब देखो कुछ कुछ एग्जेक्टिव हम लोग नाउन के पहले लिखते हैं, कुछ कुछ बाद में लिखते हैं, तो इस जो मैं आपको ये बताने वाली हूँ इससे आपको पता चल जाएगा कि नाउन के पहले कौन से एग्जेक्टिव्स लिखना है और नाउन के पीछे कौन से एग्जेक्टिव्स लिखना है। तो पहले देखते हैं एग्जेक्टिव्स बिफोर द नाउन। अब आपको क्या याद रखना है पता है, ये सिर्फ ये जो बैंग्स है ना उतना याद रखो, बैंग्स आपको शॉर्टकट दिया है। बी से ब्यूटी, ठीक है, बेल मतलब ब्यूटीफुल, लेद मतलब अगरी, जॉली मतलब प्रिटी, एंड बॉ मतलब हैंडसम। ए से एज,
वियक्स मतलब ओल्ड, जून मतलब यंग, ठीक है। एन से नंबर 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, और एट से रिलेटेड जो भी वर्ड्स रहेंगे ना वो लोग भी बिफोर द नाउन आएंगे, वैसे ही ब्यूटी के लिए। ये आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है, ब्रैकेट में। जी से गुडनेस, अब गुडनेस मतलब बॉ मतलब गुड, मॉवे मतलब बैड और उससे रिलेटेड वर्ड्स, ओके। साइज ग्रॉ मतलब टॉल और पतित मतलब स्मॉल, ठीक है। तो बैंग्स आपको ये याद रखना है, जो भी ये एडजेक्टिव इसमें से रहेंगे ना वो बिफोर द नाउन आएंगे, ओके। अब एडजेक्टिव कौन से एडजेक्टिव है जो आफ्टर द नाउन आएंगे, तो वो आएंगे कलर्स, कलर होगा तो आफ्टर द नाउन लिखेंगे, नेशनैलिटी होगा तो आफ्टर द नाउन, और लॉन्ग एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। इल ए जून गार्सो मतलब ही इज अ यंग बॉय। अब जून कहाँ पे आया, बिफोर द नाउन, बराबर। तो आपको समझा बिफोर द नाउन कब डालना है, मैंने आपको बताया था अगर एज होगा तो बिफोर द नाउन, बराबर। जी आई त्रोवा स्टिलोस मतलब आई हैव 3 पेन, बिफोर द नाउन आया है, 3 नंबर है, बैंग्स BAN, ओके। जो मॉन्ज अ बॉ गेटो, आई एट अ गुड केक, गुडनेस है बिफोर द नाउन। जाय ल क्रेयो ब्ल, आई हैव द ब्लू पेंसिल, अब आफ्टर द नाउन है, क्रेयो यहाँ पे नाउन है, ब्लू आफ्टर द नाउन है, क्यों, क्योंकि कलर्स है, कलर नेशनैलिटी और नॉन लॉन्ग एडजेक्टिव आफ्टर द नाउन आते हैं, बराबर। अब आपकी टेक्स्ट बुक में क्या दिया है वो भी देख लेते हैं। प्लेस ऑफ एडजेक्टिव, मोस्ट एडजेक्टिव आर प्लेस्ड आफ्टर द नाउन्स, देस एंड फॉन्स इंटेलिजेंट आफ्टर द नाउन, बट अ ग्रॉन अपार्टमेंट यून पतित मेजों, देस एंड फॉन्स इंटेलिजेंट मतलब सम इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अ ग्रॉन अपार्टमेंट मतलब अ टॉल बिल्डिंग, अ पतित मेजों मतलब अ स्मॉल हाउस। सम एग्जेक्टिव हैव दैट आर प्लेस्ड बिफोर द नाउन्स इंक्लूड ग्रॉ, पतित, हॉट, बॉ, वियक्स, बॉन, जून, जॉली। आपको वही नाम दे दिया, ऐसा कुछ ट्रिक नहीं बताया, पर मैंने आपको ट्रिक बता दिया जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है आपके टेक्स्ट बुक का जो रिविजन पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। अब जैसे कि मैंने बोला था मैं आपको स्पेशल एडजेक्टिव सिखाऊंगी, अब मैं आपको वो बताती हूँ, ओके। हाँ तो अब देखो, स्पेशल एडजेक्टिव मतलब नया, हैंडसम, बुढ़ा। अब आप बोलोगे मैं क्या बोल लूँ, पर हाँ ये ट्रिक है उसको याद रखने की, क्या है, नया, हैंडसम, बुढ़ा। वापस एक बार मेरे साथ बोलो, नया, हैंडसम, बुढ़ा। अब देखो, जनरली स्पेशल एडजेक्टिव्स, जनरली एडजेक्टिव्स हैज फोर फॉर्म, बराबर। ग्रॉ मतलब बिग, सॉरी टॉल। ये मैस्कुलाइन फॉर्म में, मैस्कुलाइन सिंगुलर के फॉर्म में। अब हम लोग उसके पीछे सिंपली एक एस ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मैस्कुलाइन प्योरल, बराबर। मैंने बताया था प्योरल के लिए एक एस ऐड कर देने का, बराबर। अब इसको हम लोग को फेमिनाइन बनाना है तो हम क्या ऐड करेंगे उसके पीछे, एक ई, बराबर। जनरली ऐड एन ई, तो फेमिनाइन सिंगुलर के लिए क्या हो गया, एक ई ऐड कर दिया, बराबर। अब फेमिनाइन प्योरल के लिए क्या, एस ऐड कर देंगे उसमें, बराबर। टू मेक इट प्योरल जनरली ऐड एस, फेमिनाइन में एस ऐड कर देंगे, बराबर। बट सम एडजेक्टिव्स हैज फाइव फॉर्म्स, कौन से एडजेक्टिव को फाइव फॉर्म रहते हैं, नया, हैंडसम, बुड्ढा। अब देखो, नया मतलब न्यू, नोव्यू फॉर्म मैस्कुलाइन कॉन्सोनेंट, ठीक है, स्पेलिंग देखना ठीक से, नोवेल फॉर मैस्कुलाइन सिंगुलर पर वोवेल या एच म्यूट, ये भी सिंगुलर के लिए, ये भी सिंगुलर के लिए। अगर वोवेल आएगा ना उसके पहले, उसके नेक्स्ट वर्ड में वोवेल होगा ना, नेक्स्ट वर्ड में हमेशा देखने का, नेक्स्ट वर्ड में अगर वोवेल होगा तो ये यूज करने का, और वोवेल नहीं रहेगा तो ये यूज करने का, समझा। और इन दोनों का प्योरल ये होगा नोवियक्स, ठीक है। फेमिनाइन फॉर्म ये होगा और प्योरल फॉर्म ये होगा, आपको स्पेलिंग अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। न्यू मतलब नोव्यू, अब उसके अलग अलग फॉर्म, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, मैस्कुलाइन प्योरल,
वही ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज हैंडसम। हैंडसम के लिए भी देखो, बॉ फॉर कॉन्सोनेंट, अगर नेक्स्ट वर्ड में वॉवल होगा तो बेल लगाओगे। इन दोनों का प्योरल ये होगा ठीक है, और ये फेमिनाइन के लिए और ये फेमिनाइन प्योरल के लिए, ये दोनों सिंगुलर के लिए ही है। पर जब नेक्स्ट वर्ड वॉवल या एच म्यूट से चालू होगा ना तो ये लगाओगे बेल, वरना फिर जनरली ये यूज करोगे फर्स्ट वाला बॉ, और दोनों का प्योरल क्या होगा ये ठीक है, मतलब हैंडसम या ब्यूटिफुल। ओल्ड मतलब बुढ़ा। वियक्स किसके लिए? कॉन्सोनेंट के लिए। वील मतलब वॉवेल या एच म्यूट के लिए। वियक्स मैस्कुलिन प्योरल के लिए, इन दोनों का प्योरल ये होगा ठीक है। वील फॉर फेमिनाइन सिंगुलर और विल्स फॉर फेमिनाइन प्योरल। आई होप आपको सारी ग्रामर टॉपिक इस चैप्टर की पता चल गई होगी। तो इसी के साथ इस चैप्टर का सारा ग्रामर टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम लोग 1.1 करेंगे, दैट इज ट्रांसलेशन एंड रीडिंग ऑफ द चैप्टर ठीक है। अच्छा तो गाइस, पहले मैं ना आपको फ्रेंच में पढ़ के बताऊंगी, बाद में वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगी। तो मैं चाहती हूँ आप भी अपने टेक्स्ट बुक के साथ बैठो और जो मैं बता रही हूँ ना साथ साथ में वहाँ पे लिखते जाओ ठीक है, इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन ओके। डिज्नीलैंड पेरिस, अजूद भी नोज आमिज विजिटेंट डिज्नीलैंड पैलेस इल्स अटेंडेंट एलो आरेट द ऑटोबस। मतलब टुडे आर फ्रेंड्स आर विजिटिंग डिज्नीलैंड पैरिस, दे आर वेटिंग एट द बस स्टॉप। तो रूचा बोलती है, अच्छा ये सा है ना वो साथ में ऐसे, हाँ वो गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक के वजह से दो डॉट आ गए हैं बीच में ठीक है। डिज्नीलैंड पैलेस सा म दीद कैलको शो, मतलब डिज्नीलैंड पैरिस दैट टेल्स मी समथिंग। करण बोलता है, रुचा डिज्नीलैंड पैरिस ए लो डिज्नीलैंड वर्ल्ड द लो यूरोप एथ इल सो ट्रूव ए पैरिस। मतलब रुचा डिज्नीलैंड पैरिस इज द डिज्नी वर्ल्ड ऑफ यूरोप एंड इट इज लोकेटेड एट पैरिस। तो रुचा बोलती है, कूल एथ एसो को सरसेट ओसी ग्रांड कलर डिज्नीलैंड वर्ल्ड ऑक्स एटास यूनिस एंड फ्लोरिडा। मतलब कूल एंड इट इज एज बिग एज डिज्नीलैंड वर्ल्ड ऑफ यूएसए एट फ्लोरिडा। तो मिस्टर गिरोदत्त बोलते हैं, नॉन सरसेट मोआ ग्रांड कलर डिज्नीलैंड वर्ल्ड एंड फ्लोरिडा मिस सरसेट ओसी अम्यूजेंट। मतलब नो इट इज स्मॉलर देन डिज्नी वर्ल्ड एट फ्लोरिडा बट इट इज एज अम्यूजिंग। तो करण बोलता है, इलिया ओसी और डिज्नीलैंड वर्ल्ड एंड हांगकॉन्ग न ऐसा पा। मतलब देर इज ऑल्सो डिज्नीलैंड वर्ल्ड एट हांगकॉन्ग इज इंट इड। तो मिस्टर गिरोदित बोलते हैं, सर एवरे इलिया प्लूसर डिज्नी वर्ल्ड डॉलर मॉन्ड ल डिज्नीलैंड एंड लॉस एंगलिस एलो प्ल एंशियन ल डिज्नीलैंड एंड फ्लोरिडा एलो प्ल ग्रॉन्ड द मॉन्ड। मतलब इट इज थ्रू इट्स थ्रू देर आर सेवरल डिज्नी वर्ल्ड इन द वर्ल्ड, द डिज्नी वर्ल्ड एट द लॉस एंजलिस इज द ओल्डेस्ट, द डिज्नी वर्ल्ड इन फ्लोरिडा इज द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। याद रखना सबसे एंशियंट कौन सा है, डिज्नी वर्ल्ड एट लॉस एंजलिस, और सबसे बड़ा कौन सा है इन फ्लोरिडा ठीक है। ये क्वेश्चन ना आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आ सकता है ठीक है, तो साथ साथ याद रखते जाओ कि सबसे बड़ा कौन सा है सबसे एंशियंट कौन सा है ठीक है। तो डूचा क्या बोलती है, लेस जियोक्स ऐसा कि इल्सोंत ओसी इंटरेसोंत। मतलब आर ऑल द गेम्स इंटरेस्टिंग। तो मिस्टर गिडोदित बोलते हैं, मे बी इलिया देस मोंटाग्नस रूसी एट देस मैनेगीज एट इलिया द ऑत्रस डाइवर्टिसमेंट ओसी प्यू ऑय ट्रूव देस फास्टफूड डिलिसियक्स डिज्नीलैंड सरसेट देस रेस
एट द ल अम्यूजेंट अलॉस वूज एतेस प्रेट्स, मतलब येस ऑफ कोर्स देर आर लोलल कोस्टर्स एंड मेरी गो राउंड एंड देर आर अदर अम्यूजमेंट राइड्स ऑल्सो, देन वन फाइंड्स डिलिशियस फास्ट फूड देर, डिज्नीलैंड मीन्स लाफ्टर एंड अम्यूजमेंट, सो आर यू रेडी? तो रुचो और करण बोलते हैं बिया, यहाँ पे सुर आएगा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक था, बिया सुर मतलब सर्टनली। मिस्टर गिरोदत बोलते हैं बॉ ऑयवा, सर से देजा ल युर द्यू देपांत द्यू बस, मतलब वेल लेट्स गो देर, इट्स ऑलरेडी टाइम फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ द बस। तो इसके साथ चैप्टर कंप्लीट होता है। अब फ्रेजेस एंड कीवर्ड्स, ठीक है, फ्रेजेस एट मॉथ्स क्लेज, मतलब फ्रेजेस एंड कीवर्ड्स। सामदीत कैलकर शो, मतलब दैट रिमाइंड्स मी समथिंग। बिया सुर, यहाँ पे भी वापस स्पेलिंग मिस्टेक है, सेम जो पहले थी, एस यू सर्कम्फ्रेक्स आर आएगा, ठीक है, सर्टनली। बॉ ऑयवा मतलब वेल वी आर गोइंग देयर। इल्सर ट्रूव ए इट इज लोकेटेड एट, कूल मतलब कूल। आलोस मतलब ऑल्सो, सॉरी आलोस मतलब सो, ओके। ऑयो ट्रूव वन फाइंड्स देयर, सरसेट व्रे इट्स थ्रू। ठीक है गाइस, तो इसके साथ साथ जो अपना टारगेट था ये वीडियो का वो कंप्लीट हो गया है। अब जो 1.2, 1.3 और एक्सरसाइज जो भी बचता है ये चैप्टर का, वो नेक्स्ट पार्ट में कवर होगा, ठीक है। अच्छा गाइस, तो मैंने इस वीडियो में आपको जो भी ग्रामर टॉपिक सिखाया है वो सब आप अपनी ग्रामर की बुक में लिख लोगे, ओके। तो उससे क्या होगा, अगर आपको आगे जाके डाउट होगा तो आप बुक खोल के देख सकते हो कि हाँ आपको फटाक से याद आ जाएगा, एंड वो आपको 10th में काम आएगा। 11th 12th में अगर आप फ्रेंच लोगे तो ये ग्रामर टॉपिक्स तभी भी काम आएंगे, ओके। एंड गाइस, अगर कोई भी डाउट होगा तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं ज़रूर उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और गाइस, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो, उन्हें भी फ़ायदा हो मेरे वीडियोस से, ओके। एंड दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।